फ्रेंड्स, वेलकम टू टैमटिंग रसोई। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिस्सी रोटी, जो कि आप रेस्टोरेंट जैसे घर में बना लीजिएगा। और बिल्कुल ये रेस्टोरेंट जैसे ही बनेगी। इसके लिए आपको चाहिए एक कटोरी गेहूं का आटा। सेम जिस कटोरी से आप गेहूं का आटा लीजिएगा, सेम उसी कटोरी का आप मेजरमेंट लीजिएगा। आधा कटोरी बेसन, बारीक चॉप किए हुए हरा धनिया, एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून कसूरी मेथी, एक टीस्पून साबुत धनिया, एक टीस्पून अजवाइन रिफाइंड। अगर आप अजवाइन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप अजवाइन मत डालिए, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है अजवाइन डालना तो डालिए, नहीं तो नहीं। वैसे अजवाइन डाइजेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बाकी आपकी मर्जी। अब स्वादानुसार नमक। देखिए, अब मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है। पैन में मैं ये जो साबुत धनिया लिया था, इसको इसमें देखिए, मैंने पैन में कोई तेल या घी नहीं डाला है, ऐसे ही इसको भूनना है। इसको जो है साबुत धनिया को जो हम भून रहे हैं, इसको जो है लो फ्लेम में एकदम भूनना है। हाई फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में नहीं भूनना है, वरना ये जल जाएगा। जब हमारा साबुत धनिया थोड़ा भुन जाए तो उसमें अजवाइन, जीरा और कसूरी मेथी, इन सबको भी डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। देखिए, अब ये हमारा ये रोस्ट हो गया। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें जब हल्के से खुशबू आने लगती है ना, तो पता चल जाता है कि हमारा रोस्ट हो गया। उसके बाद हम एक छोटे से इमाम दस्ते में इसको डाल के, चाहे तो आप मिक्सी में इसको दरदरा पीस लीजिए, और नहीं तो आप छोटे इमाम दस्ते में डालकर इसको हल्का हल्का सा कूट लीजिए। देखिए, अब ये हमारा ऐसे मोटा मोटा सा कूट गया है। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में आटा डालेंगे, बेसन, धनिया। धनिया देखिए, हम थोड़ा सा बचा लेंगे, बाद में हमें ऊपर से लगाने के लिए चाहिए होगा, इसलिए धनिया के पत्ते जो हैं, बारीक कटी धनिया, हम थोड़ा सा बचा लेंगे। नमक, फ्रेंड्स इसमें नमक जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब रेस्टोरेंट में भी मिस्सी रोटी खाई होगी आपने, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नमक नहीं होता है, नमक बहुत ही उसमें कम होता है। तो इसमें थोड़ा हिसाब से ही नमक डालिएगा आप। उसके बाद इसमें हम 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, और ये जो हमने मसाला कूटा था ना, उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को गूंदेंगे। आटा हमें बहुत सख्त भी नहीं गूंदना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही गूंदना है हमें। देखिए, अब ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब इसमें जो है हम एक चम्मच थोड़ा रिफाइंड डाल देंगे, ताकि ये थोड़ा चिकना सा हो जाए। देखिए, अब ये थोड़ा चिकना सा हो गया है। उसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए, चाहे तो आप इसमें ढक्कन लगा के रख दीजिए, या किसी कपड़े में लपेट के रख दीजिए, या फिर ऐसी पॉलीथीन में डाल के इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए हम रख देंगे। बस देखिए, जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम जो है इसको सेकने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, मैंने कुकर लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है सिल्वर की ही कढ़ाई लेना है, और एल्युमिनियम या सिल्वर की ही आपको कुकर लेना है। नॉन स्टिक वाले या ब्लैक वाले जो कुकर होते हैं या कढ़ाई होती है, वो नहीं लेना है। अगर आप उसमें बनाओगे तो आपका सही नहीं बनेगा, और जो है वो निकल भी जाएगा और जल भी जाएगा। तो देखिए, ये मैंने सिल्वर का जो एल्युमिनियम वाला सिल्वर वाला जो हमारा कुकर है, वो मैंने लिया है। इसमें पहले मैं थोड़ी सी ग्रीसिंग कर दूंगी तेल की। इसको इसलिए ग्रीसिंग कर रहे हैं ताकि ये चिपके नहीं और हमारा आसानी से निकल जाए। देखिए, आप चाहे तो अंदर से भी बना सकती हैं, लेकिन आप अंदर से बनाओगे तो आपका हाथ भी जल सकता है, इसलिए जो है मैं इसको पीछे ऐसे ग्रीसिंग करके और मैं इसको बनाऊंगी। अब देखिए, ये तो मैं आपको एक
कुकर से बनाना बता रही हूँ, एक दूसरे स्टाइल से भी मैं आपको अभी बनाना बताऊंगी कि आप दूसरे स्टाइल से भी मिस्सी रोटी कैसे सेक सकती हैं। अभी तो ये मैंने पहले आपको कुकर में ही बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा आटा एकदम बन के तैयार हो गया है। ये देखिए थोड़ा सा फूल भी गया है ये। अब थोड़ा सा इसको और अच्छा से ऐसे गूंद लेंगे, फिर से थोड़ा सेट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो है ऐसे छोटी छोटी सी ऐसी लोइयां ले लेंगे, ठीक है, पेड़े की तरह ऐसे। फिर इसमें एक सूखा आटा ऐसे लगा देंगे। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें पीला रंग लाने के लिए, जैसे बाजार में पीला पीला सा होता है ना, इसको लाने के लिए आप जो है इसमें जो है थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकती हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप डालना चाहें तो। देखिए ऐसे बेलने के बाद इसमें थोड़ा सा ऐसे पानी लगाएंगे, बस हल्के हाथ से, बस पानी का हाथ लेना है, बहुत पानी नहीं लगाना। उसके बाद जो मैंने धनिया पत्ते रख लिए थे और उसको ऐसे इसमें डाल के, फिर इसमें थोड़ा सा सूखा आटा ऐसे डाल के, और इसको धनिया पत्ते को इसमें सेट कर देना है। देखिए अब ये मेरी सारी रोटियां इसकी बन के तैयार हो गई हैं। तो जिधर हमने वो जो धनिया लगाया था उसको ऐसे उल्टे साइड उसके करके देखिए सारी ऐसे पलट दिया है। ये देखिए अब इसमें जो है हल्के हाथ से पानी लेके ऐसे लगा देना है, ताकि ये थोड़ा उसमें हमारे कुकर में चिपक से जाए। बस हल्के हाथ से ऐसे पानी लगा देना, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखिए अब फ्रेंड्स जो है अभी मैंने गैस में कुकर नहीं रखा है, क्योंकि अगर आप पहले गैस में कुकर रख दोगे तो आपका हाथ भी जल सकता है, इसलिए पहले मैं रोटियां देखिए इसमें ऐसे सेट कर दूंगी। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जो है ये रोटियां ऐसे मैं सेट कर दूंगी। ये देखिए ऐसे चारों तरफ, ये देखिए ऐसे, ये देखिए रोटियां मेरी सेट हो गई। अब एक रोटी को जो है मैं ऐसे ऊपर रख दूंगी। अब देखिए मैं गैस को ऑन करके इसको देखिए ऐसे रख दूंगी मैं इसके ऊपर, और हाई फ्लेम में रखना है इसको। देखिए ये देखिए इसको मैंने ऐसे रख दिया है। देखिए फ्रेंड्स ये एक साइड से देखिए ऐसे फूलने लगी है, तो मतलब कि ये हमारी पकने लगी है। अब इसको जो है हम ऐसे ऐसे घुमा के, देखिए ऐसे घुमा के इसको, और इसको चारों तरफ से ऐसे सेक लेंगे। देखिए अब ये हमारी रोटी देखिए एकदम सेक के तैयार हो गई है। देखिए एकदम बिल्कुल बाजार जैसी मिस्सी रोटी बन गई है। चाहे तो आप बाद में इसमें घी लगा लीजिए, चाहे तो आप पहले ही घी लगा लीजिए इसमें। मैंने तो इसमें पहले ही लगा लिया है, आप चाहे तो इसमें बाद में भी घी लगा सकती हैं। ये देखिए देखिए ये देखिए कितने आसानी से ये निकल गई है। ये देखिए देखिए अब ये मेरी रोटी बनके तैयार हो गई, मिस्सी रोटी। देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, ये देखिए, ये देखिए आसानी से टूट जा रही है ये। देखिए अब मैं दूसरे तरीके से बनाना बता रही हूँ आपको। इसके लिए सेम वैसे ही बेलना है, और उसके बाद इसमें भी हल्का सा ही पानी बस हाथ में ऐसे लगा के करके, और पहले मैंने तवे को थोड़ी तेल से ग्रीसिंग कर ली है, ताकि ये जो है चिपके ना और अच्छे से निकल जाए। उसके बाद इसको देखिए मैंने ऐसे इसमें डाल दिया है। देखिए अब ये इधर से सेक गई है, इसको ऐसे पलट के ऐसे सेक लीजिए, ऐसे घुमा घुमा के, ताकि हमारी चारों तरफ सेक जाइए। देखिए ये बनकर एकदम तैयार हो गई है। अब इसमें हम पहले घी लगा लेंगे, ये देखिए। अब इसको हम ये देखिए ऐसे पलटे से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल गया, ये कितनी आसानी से निकल गया।
और देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी बढ़िया बनी है, ये देखिए, ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी बढ़िया बनी है। ये देखिए अब ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। फ्रेंड्स देखिए, आप जब भी मिस्सी रोटी बनाइए तो थोड़ी मोटी बनाइए, बहुत पतली बनाइएगा तो वो चिपक जाएगी, इसलिए थोड़ी मोटी ही बनाइएगा, बहुत पतली नहीं बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी मुझे मौका देते रहिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो, रेसिपी और वीडियो बना के डालती रहूँ। थैंक यू।